कहाँ से आ रही? आ गई तू आज, तेरा इंतजार था। मेरा इंतजार चांदनी चौक की सारी सुहागने कर रही हैं। पिंक आई लाइक पिंक। तो आज कितने दे दूं? बड़े ही बदतमीज आदमी हो, चुड़ैल को रिश्वत देने की बात कर रहे हो। अच्छा, आज बड़ी मासूम चुड़ैल हो रही है, और कल कल 2000 लेते शर्म ना आई सेठ जी से? क्या बकवास कर रही हो? मजेदार, तुझे छोड़ूंगा ना। अरे छोड़, पिंकी जी है यहाँ। पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी जी आप? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे हद तेरी। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि मिसेस पंचम हम लोगों को छोड़कर चली गई। अब हमारे बीच ना है, इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में चली गई है वो। इस दुनिया की लगती कहाँ थी जीजा? अरे वो तो अप्सरा थी भाई। अब मिसेस पंचम को हम वापस तो लाना सकते हैं वहां से, तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने दिल से मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दें ताकि इनकी आत्मा को शांति मिले। तो आप एक एक करके आइए और मिसेस पंचम को श्रद्धांजलि दीजिए। बर्तन पहले तू ही आ जा। सेठी पंचम। अबे हाँ वो ही, आ जा जी। पिंटू की शोक सभा पर आने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। समझ नहीं आ रहा कि ऐसी बीवी के बारे में क्या बोलें जो बीवी जैसी थी नहीं। हमारे कहने का मतलब यह है कि हमारी पिंटू हमारे सिर्फ पत्नी नहीं थी, दोस्त थी हमारी। दोस्त से कहीं पढ़कर हम अपनी बुबू को बहुत मिस करेंगे। सुना पापा, जीजाजी पिंटू पापी को पत्नी मानती नहीं थे। जाने वाले को कौन रोक सका है भैया, क्या बताए। हमारी तो बहुत पहले से नजर थी पिंटू जी के ऊपर। न जाने हम में से किसकी नजर लग गई इनके ऊपर। खैर देखो भैया, साफ सी बात बता रहा हूँ मैं आप सब लोगों को, ये शादी का घर है, खुशियों के माहौल को बिगाड़ो मैं समझ गए। ज्यादा शोक करने से मनुष्यता आ जाती है घर में, इसलिए जो भी कुछ बोलना है फटाफट बोलो, निकलो यहाँ से भैया। अरे जी जी, अरे भैया जी जी चली गई भैया, भैया अब क्या करेगा भैया, जी जी चली गई। राजेश खन्ना जी संभालिए अपने आप को। अरे कैसे संभालना है सुनीता जी, हमारा दिमाग काम ना कर रहा भैया, मैं जिज्जी से मिलवा दो। राजेश खन्ना जी शांत हो जाइए, पिंटू भाभी हम सबके दिल में है। इलू के बाद ना वो ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके साथ बिताया हर पल, उनका किया हर फेशियल, उनका किया हर हेयर स्टाइल मैं कभी नहीं भूल सकती। लेकिन आप एक वादा करिए राजेश खन्ना जी, आप आते जाते रहेंगे, वो क्या ना आपको देख के पिंटू भाभी की कमी कम करेगी, आप आएंगे ना? आएंगे क्या, हम तो यहीं पड़े रहेंगे। हैं?
अरे मेरी जिजी भैया, अरे मेरी जिजी, अरे भैया चलिए, अरे अरे जिजी जिजी कहाँ चली गई है? बैठ जा बेटा, बैठ आराम से। अरे जिजी सुने कितना हो रहा है, पकड़ना हाथ पकड़ना। हाँ ठीक है, मतलब अब पिंटू जी के बारे में पिंकी जी क्या कहे? सारा चांदनी चौक जानता है कि पिंटू जी जो है ये मतलब चांदनी चौक की रोशनी थी एकदम, एक नंबर का मसाला, मतलब गरम मसाला थी वो। सेठ जी जी यहाँ पे भी रसोई खोल के बैठ गया? कुछ लोग खोल के बैठ जाते हैं। मतलब पिंकी जी का कहने का मतलब है कि इनके जाने के बाद पिंकी जी की रसोई एकदम सुनी सुनी हो गई, जैसे पिंकी जी की सारी सब्जियों में से मसाला एकदम चला ही गया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। बोलना सेठ जी, जिस श्रद्धांजलि के टाइम पे क्या पहन के आ गई सेठानी? स्कूल की बच्ची बनने की कोशिश कर रही है ये। कौन सी वाली? प्रौढ़ शिक्षा? अरे नाना, इलायची के स्कूल की, ताकि चुड़ैल इसे सुहागन समझ के ना उठा ले जाए, समझ रहे? पिंटू एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, बल्कि कई बार तो मुझे लगता था कि वो लड़की ही नहीं है, है? मेरी बेटी जैसी थी। अभी भी रसोई में उसके दौड़ने की आवाजें आ रही है, मेरे तो भाग ही फूट गए। पिंटू भाभी के साथ लास्ट वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हाँ हाँ बो बो। सब कुछ मस्त से हो गया, बस आप सही मौका देखकर पापा से मैं शादी की बात कर लीजिए ना। भाई साहब आप ही मिस्टर पंचम है ना? देखिए भाई साहब, मैं जगदीश लॉटरी के वहां से आया हूँ। दरअसल आपकी पत्नी पिंटू जी है ना, हमारे दुकान से उन्होंने सामान खरीदा था, तो उनको एक लॉटरी लगी थी जो वो लेना भूल गए थे। एक मिनट, ये देखिए, मिसिस पिंटू पंचम के नाम पर ये 21 लाख की गाड़ी लगी है। 21 लाख की गाड़ी? 21 लाख की गाड़ी? भाई साहब ये जो गाड़ी है ना, आज शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी। है आपकी पत्नी के सिग्नेचर लगेंगे जब ये गाड़ी की डिलीवरी होगी तभी। पर हाँ भाई साहब, एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी पत्नी को खुद इस गाड़ी की डिलीवरी लेनी पड़ेगी, और अभी जो है ना वो आपको 10,000 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। बात सच्ची है? अरे एकदम। तो फिर दिए 10,000 रुपए यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई विश्वास ही नहीं हो रहा यार, मुझे भी नहीं हो रहा। जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, मतलब 21 लाख की गाड़ी भाई। अरे सुनो ए जीजा जी, पिंटू भाभी, अरे यार गाड़ी क्लेम करने के लिए पिंटू भाभी को दुकान में जाके सिग्नेचर करने पड़ेंगे। पिंटू भाभी तो गायब है, कहाँ से आएंगी? मतलब नहीं आ सकती पिंटू भाभी। सुनिए तो सही, इलायची जी अगर 21 लाख की गाड़ी का हॉर्न बजेगा ना, तो पिंटू क्या पिंटू मतलब किसी को भी स्वर्ग से उतार के सीधा ले आएंगे इलायची जी। की बात सुनिए, देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मौका बार बार नहीं मिलेगा हमें, अभी बहुत मुश्किल से गायब हुए हैं पिंटू भाभी, बार बार नहीं गायब हो सकते, मतलब प्लीज समझिए, रोक दीजिए, सही नहीं कर रहे आप, प्लीज। हाँ भाई साहब, तो क्या सोचा आपने? तुम जो लो ये पकड़ो, खरे खरे एकदम 10,000 की गड्डी, और ले आओ जल्दी से हमारी गड्डी, है ना? साले फटीचर, इतने पैसे कहां से आए तेरे पास? अब साले तुझे पता नहीं इतने दिन से दीदी बना, दीदी वाले काम ना करूंगा? बेटा जो सब्जी लेने जाता हूँ, 10-5 रुपए इधर से उधर हेरा फेरी करते बचाए मैंने, इकट्ठे किए जी, अब देख आज काम आए ना आए। गिल्लो भैया गिल्लो चूरे गिल्लिए। अरे भाई साहब आप चिंता मत कीजिए, ये जो गाड़ी है ना शाम तक आपके घर पे पहुंच जाएगी, है बस भाभी जी को कहिएगा कि आरती लेकर तैयार रहे, है चलता हूँ। जी 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 जी, ये ठीक नहीं किया आपने, क्या कर दिया, क्यों किया आपने ये सब? इलायची जी आप समझ क्यों नहीं रही है, क्या हो गया है आपको? आप थोड़ा सा दिमाग तो लगाइए, अगर हमें ये गाड़ी मिल गई हम अमीर हो जाएंगे, और अगर हम अमीर हो जाएंगे तो क्या होगा उससे, क्या होगा? एलआईसी जी हम सेठ जी से आपका हाथ मांग सकते हैं बिल्कुल आसानी से, समझ रही हैं आप?
हमें पता है आप समझ गए। चल पिंटू, पिंटू भाभी को वापस लेके आए। सुनीता जी आपने तैयारी करो गाड़ी में बैठने की, हम अभी जाते हैं गाड़ी लेके। भाई ओके लाइसी जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं। क्या हुआ नजनिया, आज नाच आएगा ना? तो कैसा है भाई, इस वक्त हमसे बात करने की जरूरत ना है, समझ गए? बेच पर क्या हुआ छतपरह भैया, बड़े परेशान लग रहे हो? जो के पापा फोन ही ना उठा रहे, कितना फोन लगा चुका मैं, रिंग पे रिंग जा रही है मगर फोन ही ना उठा रहे। अब तो रिंग भी बंद हो गई, 50,000 रुपए दे के बैठा हुआ भैया मैं। अबे तो उनसे जाके बात कर, उनके घर पे चला जा, उनसे पूछ क्या कहा भैया देखो रिश्ता ना करना है तो हमारे पैसे लौटा दो। हाँ मैंने घर कहाँ देखा है भैया, तुझे ये ना मालूम घर कहाँ है उनका, तो कहाँ रिश्ते की बात करने गया था? देख तुझे गोलगप्पे की रेडी पे तो ना मिल गए वो लोग। अरे जीजी आजकल तू जीजा को क्या बादाम खिला रही है भैया, बड़ा आज तो दिमाग काम कर रहा है, तुम्हें कैसे मालूम गोलगप्पे की रेडी में मिले थे वो हमें? मेरे तो भागे फूट गए। हाँ भाई क्या हो रहा है, पिंकी जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना देने के लिए यहाँ आए हैं, पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे तो क्या हुआ पिंकी जी, सब मतलब ठीक ठाक तो है? ऐसा है सेठ जी कि दिल्ली में मतलब खास तौर पे अपने इलाके में एक देसी आदमी और एक विदेशी औरत एक रैकेट चला रही है, शादी का झांसा दे के लोगों को लूट रही है, पैसे पैसे ले रही है उनसे, 50,000 रुपए लूट के लेके। एहतियात के तौर पे पिंकी जी ना आप लोगों को उनकी पिक्चर दिखाते, फोटो ये देखिए, ताकि कहीं ये दिखे तो पिंकी जी को बता दो। ये देख भाई, देख ली पिक्चर। आप सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे पिंकी जी की, मतलब जरा चौकन्ना रहना, वैसे तो आप लोग हैं बहुत समझदार, मतलब इनके झांसे में मत आ जाना बस। हंस चुके तैयार है? हाँ तैयार है, गाड़ी मिली थी। ओके 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 सेठ जी, सेठ जी जल्दी मार आइए, सेठ जी देखिए कौन है। अरे तुम ही ना, हटे तुम ही, सेठ जी अरे सेठ जी प्रणाम, ये देखिए सेठ जी, अरे देखिए वो भी मिल गई मिसेस पंचम, आपको चुड़ैल ने वापस लौटा दिया। हाँ चुड़ैल ने लालची बंदर उसकी बंदरिया को वापस लौटा दिया। पिंटू तू कैसी है और कहाँ चली गई थी बिना बताए? हाँ दरअसल बात यह है कि आंटी जी क्या ना कि हम जब खाना बना के सोने के लिए जा रहे थे तो हमको याद आया कि हमने शादी के समय ऐसे मन्नत मांगी थी कि यमुना जी में डुबकी लगाएंगे, जैसे ही हमको याद आया हम एकदम सरपट दौड़े और जमुना जी पहुंच गए। ओके जैसे हम ना जमुना जी पहुंचे और जमुना जी में जैसे हमने डुबकी लगाई फिर आपका पैर फिसल गया होगा, आप इसमें गिर गई होंगी और शिफॉन की साड़ी में कसम से। नहीं नहीं बताओ आप ही बोलो, बोलो बोलो मुझे क्या पता भैया, नहीं पता तो फिर बीच में अपनी चोंच क्यों उड़ा रहे हो? नहीं मतलब ना आता ना जाता चुनाव निशान छाता है, बताओ हम अच्छे खासे बता रहे थे, हमारे दिमाग से सब बातें जो ना एकदम स्लिप हो गई। गुगु तुम ही बताओ अब। हाँ तुम शांत रहो बबू, कोई बात नहीं हम बता देते। दरअसल सेठ जी बबू जैसे ही यमुना से डुबकी लगाकर बाहर निकले उन्हें यह पता चला कि उनकी कोई साड़ी चुरा कर ले गया। अब बेचारी अबला नारी क्या करती, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो पास खड़े ट्रक में बैठ गई, बैठी थी तो इन्हें पता नहीं चला ये सो गई। अब सोते सोते जब इनको मतलब आंख खुली तो इन्हें पता चला कि हरिद्वार पहुंच गई। अब हरिद्वार पहुंच गई इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या करें, इन्होंने बस कहीं से कपड़े उधार मांगे, नीचे उतरी गंगा में डुबकी लगाई और हमें चौराहे से कॉल कर दिया
बस हम वहां गए, इन्हें जाकर वापस ले आए, हमारी बुबू हमें वापस मिल गई। मेरी बुबू बुबू। अरे सेठ जी, ये रहे इधर। हाँ जी, क्या हो रहा है? अरे 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 अरे, अरे पिंटू जी आप आ गए, ये अच्छा हो गया, आपको देख के एकदम दिल बाग बाग हो गया पिंकी जी का। मतलब आपको सच बताएं तो आपके दुख में ना पूरे चांदनी चौक में शोक के बादल छाए हुए थे। आप सभी लोगों को हम एक खुशखबरी देना चाहते हैं, आप पिंटू के आते ही लक्ष्मी का आना हुआ है। आप हमारी, मतलब हमारी क्या, मतलब पिंटू हमारी एक ही बात है, पिंटू की 21 लाख की गाड़ी की लॉटरी लगी है। क्या बात कर रहा है, 21 लाख की गाड़ी? जी आप दरोगा साहब, दरअसल क्या है कि इनाम क्लेम करने के लिए ना पहले हमें 10,000 रुपए देने थे, तो हमने वो 10,000 रुपए दे दिए, तो वो गाड़ी बस कभी भी आती होगी। आप सेठ जी, आप चलेंगे ना हमारे साथ? हम आप सभी लोगों को इंडिया गेट घुमाने लेके जाएंगे। एक मिनट यार, इंडिया गेट बाद में देख लेंगे। 10,000 रुपए दे के 21 लाख की गाड़ी? जी जी जी, जगदीश लॉटरी है क्या? हाँ हाँ जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जरा ये फोटो देखो, ये आदमी है वो? हाँ हाँ बिल्कुल यही। क्या बात है दरोगा साहब, आप भी लॉटरी खेलते, आपने भी खरीदी थी? अरे एक नंबर का ये फ्रॉड है, धोखेबाज है ये। मिल गई गाड़ी। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रहा है तू? भगवान ने ना पिंटू भाभी को बचा के मतलब पूरी चांदनी चौक की सांसें लौटा दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है वो वापस आ गई। हाँ लेकिन भैया अभी जो है थोड़ा हल्का खतरा टला ना है। हाँ। अब ना जाने किस आदमी की विधवा होने की बारी हो सकता है। जी सेठ जी, पहला नंबर आपका ही हो। क्या यार, सुनो अरे सेठ जी सुनो, मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे किसी हताश पति ने ना चुड़ैलों को पैसे खिला दिए अपनी अपनी पत्नियों से छुटकारा पाने के लिए। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास कर रही हूँ भाई? क्या बकवास चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, कुछ चुड़ैल की खोज खबर मिली या ना मिली? ऐसा है सेठ जी, अभी अभी तो पिंकी जी फारिग होके आए हैं कमिश्नर साहब की बेटी की शादी से, अब बारी है चुड़ैल को यमलोक पहुंचाने की। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली वासियों के लिए अच्छी खबर, जिस चुड़ैल की अफवाह ने दिल्ली वालों की नाक पर तकिया रखा हुआ था वो अफवाह छोटी निकली है। दरअसल ये चुड़ैल नहीं बल्कि एक खतरनाक गिरोह था जो चुड़ैल के वेश में महिलाओं को अगवा करता था। गिरोह को गिरफ्तार किया जा चुका है और देश के लिए अच्छी और पतियों के लिए बुरी खबर ये है कि ये सारी औरतें बिल्कुल ठीक ठाक है। स्पेशल मेंशन, चांदनी चौक थाने के दरोगा पिंकी का नाम सबसे आगे है क्योंकि उन्होंने इस केस में कोई योगदान नहीं दिया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूं। क्या कर रहे हैं? गए नहीं आप वो अपनी चमचमाती गाड़ी में अपनी बीवी को घुमाने के लिए? वो सॉरी इलायची जी, हम जरा ललचा गए। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इलायची जी, हमारा जन्म ही इसलिए हुआ है कि हम आपसे माफी मांगे, और हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं और साथ में दंड बैठक कर रहे हैं। अब ठीक है? हाँ चीचा जी, अब ना आप यहाँ के रहे ना वहां के, और फिलहाल मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं आपको माफी दूं, सो यू नो व्हाट, अब चलते बनिए, बाय। इलायची जी एक मिनट, हमारी बात तो सुनिए प्लीज। चलिए चलिए।
इलायची जी। इलायची जी हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें पता ही नहीं चला हम कैसे बह गए, और आपको तो पता ही है हम आपकी तरह स्मार्ट नहीं है, थोड़े बुद्धू हैं, और कोई भी ऐसा हैरा गहरा नत्थू गहरा हमारा कद्दू काट के चले जाता है तो हम क्या करें। तो इस बाथरूम का भी कुछ समझ में ना आ रहा मुझे, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे यार कौन है बे? तेरा बाप है। अरे यही समझ में आ रहा है कि अंदर कौन है? ये पंचम जो है इलायची की आवाज में बात कर रहा है, ये इलायची खुद है। अबे कौन है अंदर? अरे बाहर निकल। अबे आवाज ना निकल रही क्या? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।